फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, ए वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव डन योर प्रीवियस वर्क एक्सरसाइज 2I. नाउ स्टूडेंट, टुडे लेट वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2J. एज यू कैन सी, दिस इज योर एक्सरसाइज 2J. इन द फर्स्ट सम व्हाट दे गिव यू, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, वन इज डन फॉर यू. इसमें करना क्या है स्टूडेंट, देखो इस एक्सरसाइज में आपको नियरेस्ट एस्टीमेट की बात करनी है. एस्टीमेट, जो भी काम करेंगे हम एस्टीमेट. एस्टीमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो राउंड अप होता है. राउंड अप कैसे होता है, कोई भी हमें नंबर दे रखा है, ठीक है, अगर हम देखते हैं उसका वंस प्लेस बात की गई है कि उसका जो टेंस प्लेस है वो क्या होना, नियरेस्ट बाय टेंस प्लेस की बात है. तो नियरेस्ट टेंस प्लेस कौन सा हमारा, सिक्स है ना. तो हम सिक्स को यहाँ, सिक्स से जस्ट जो पहले नंबर है उसको देखेंगे कि अगर वो फाइव से ज़्यादा तो है तो हमारा टेंस प्लेस में वन ऐड हो जाएगा और इसके प्लेस पे ज़ीरो आ जाएगी. तो ये सिक्स और वन कितना हो जाएगा, सेवन ज़ीरो, और ये हो जाएगा हमारा फाइव टू. फिर अगर नियरेस्ट हंड्रेड की बात की तो हंड्रेड प्लेस हमारा ये है, फिर हम क्या करेंगे, हंड्रेड प्लेस से जस्ट एक नंबर पहले देखेंगे, वो हमारा सिक्स है. सिक्स क्या है हमारा, फाइव से ऊपर है, तो फाइव से ऊपर है तो इसमें वन ऐड हो जाएगा, बाकी ज़ीरो. अगर फाइव से कम है तो सिंपल ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगी और फाइव हमारा एज इट इज़ आ जाएगा. जैसे हम क्या करते हैं एक्सरसाइज में देखते हैं, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड. यहाँ पे नियरेस्ट थाउजेंड की बात की गई है. तो नियरेस्ट थाउजेंड जब हम चलेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए कर रखा है, तो हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. थाउजेंड प्लेस कौन सा है, वन स्टेंस हंड्रेड थाउजेंड. थाउजेंड प्लेस पे हम राउंड लगा लेंगे, ठीक है. फिर हमने थाउजेंड प्लेस से जस्ट पहले वाला नंबर देखा, ये है हमारा सेवन. सेवन हमारा फाइव से ग्रेटर है, सो हम क्या करेंगे, सेवन और सेवन के पीछे वाले वर्ड्स पे ज़ीरो आ जाएंगी और एट में वन ऐड हो जाएगा. तो एट और वन कितना हो गया हमारा, नाइन. एंड देन सिक्स सेम एज राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10,000. अब 10,000 की बात है तो अब हम 10,000 वाले स्टेप पे चलेंगे. 10,000 हमारा सिक्स वाला स्टेप है, तो पीछे वाले चारों नंबर ज़ीरो हो जाएंगे. तो यहाँ हम फोर टाइम ज़ीरो लगा देते हैं. अब देखा जो हमारा ये वाला नंबर था, जितना 10,000 से जस्ट पहले वाला नंबर है वो क्या है, एट है, और एट फाइव से बड़ा है तो यहाँ पे वन ऐड हो जाएगा, ठीक है. तो सिक्स एंड वन सेवन. नेक्स्ट देखिए थाउजेंड, देखेंगे थाउजेंड हमारा क्या है, टू है, तो इससे जस्ट पहले देखेंगे ये हमारा सिक्स है. सिक्स है तो इसमें वन ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा फोर थ्री, और पीछे तीनों नंबर पे ज़ीरो. अब हम 10,000 वाला देखेंगे, इसके पीछे फोर वर्ड हैं तो फोर टाइम ज़ीरो. अब देखेंगे कि फोर से जस्ट अगला जो वर्ड है, पिछला जो वर्ड है वो टू है. जो टू है वो हमारा फाइव से छोटा है, फाइव से छोटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये सेम फोर आ जाएगा. ये बात ध्यान रख के चलनी है, कोई भी नंबर हम राउंड ऑफ करते हैं तो वो नंबर हमारा अगर फाइव से, अगर वो नंबर हमारा फाइव से बड़ा है तो उस पहले इसमें वन ऐड हो जाएगा. लेकिन अगर वो नंबर हमारा क्या है, फाइव से छोटा है, फाइव से छोटा है मतलब फाइव बड़ा है उससे, तो क्या हो जाएगा, उसके प्लेस पे हम ज़ीरो राइट कर देंगे, ठीक है. फाइव से बड़ा है तो उस प्लेस पे क्या हो जाएगा, वन ऐड हो जाएगा. इसी तरह से हमारा ये नंबर है थाउजेंड, प्लेस हमारा टू है, उससे जस्ट पहले क्या है, पहले तो हम थ्री, पहले नंबर आए तो थ्री ज़ीरो लगा दो. अब यहाँ थ्री आ गया ना, थ्री फाइव से छोटा है तो इसमें कुछ ऐड नहीं होएगा, सेम नंबर रह जाएगा, ठीक है. अब थाउजेंड प्लेस की बात करें तो फोर वर्ड है, उसके पीछे फोर ज़ीरो लगा दो, और सिक्स से जस्ट पहले टू है जो हमारा फाइव से छोटा है, तो दिस. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सम में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर टू, एस्टीमेट द सम और डिफरेंस बाय द राउंडिंग ईच नंबर टू द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू दैट बोथ नंबर हैव इन कॉमन. तो हमें क्या करना है, वो जो दोनों नंबर में कॉमन है उसकी हाईएस्ट वैल्यू का एस्टीमेटिंग निकालनी है. तो सम दे रखा है, जैसे ये है तो सम निकालना है, डिफरेंस दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है. हेयर दे गिव यू दिस सम, सो वी कैन राइट दिस एज लाइक दैट. सो फर्स्टली हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ, हमें इस सम का एस्टीमेट निकालना है ना. तो राउंडिंग किससे करेंगे, वन स्टेंस हंड्रेड,
हाईएस्ट टर्म क्या है, 100th है, तो हम यहाँ लिख देंगे राउंडिंग ऑफ द सम, राउंडिंग ऑफ सम. तो 195, ये वन नंबर जो है इससे जस्ट पहले हमारा 9 है, तो ये किसके इन दो पहले इस पे तो ज़ीरो आ जाएगी, और ये देखो 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे ये 200. इसी तरह से इसको करेंगे, पीछे दो पहले इस पे तो हमें ज़ीरो लगा देनी है, और 6 से जस्ट पहले देखेंगे 2 है जो 5 से छोटा है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सेम आ जाएगी, और दोनों में दोनों को ऐड कर देंगे, 0 0 6 एंड 2 8, लाइक दिस. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो 4 4 डिजिट के हैं, तो इसको हमने क्या 100 के किया था, इसको 1000 प्लेस के अकॉर्डिंग कर देंगे, तो 1000 के अकॉर्डिंग करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मैं इसको डायरेक्ट कर देती हूँ. इसी तरह आपको लिखना है राउंडिंग ऑफ द नंबर. तो ये देखो 1462 दे रखा है, तो पहले तो हम 3 प्लेस पे तो 0 लगा देंगे, क्योंकि हमें 1 पे सर्कल कर लेना है. अब 1 से जस्ट पहले क्या है हमारा, 5 से छोटा बर्ड है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा. नेक्स्ट देखेंगे, हमने 3 पे सर्कल कर लिया, पीछे 3 बर्ड हैं तो 3 0, ठीक है. उसके बाद ये देखो कि 3 के जस्ट बाद 8 है, तो 8 है, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा हमारा 4. सो दैट विल बी कितना आ जाएगा हमारा 5000. ये हमारा सेकेंड सम था. इसी तरह से हमें थर्ड पार्ट करना है. थर्ड पार्ट में भी सेम इक्वल डिजिट के नंबर दे रखे हैं, तो इक्वल डिजिट के नंबर दे रखे हैं, इसी तरह से हम इसको कंपेयर कर देंगे, तो ये किसके नियर बाई हो जाएगा, 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो इसमें 1 ऐड हो जाता है. ये हो गया हमारा 3000 प्लस में ये कितना हो जाएगा, 4 को राउंड अप करो, पीछे तो 30, 5 से ज़्यादा है 9, तो यहाँ पे 4 एंड 1 5. इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे. नेक्स्ट वाला देखिए, अब यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा 10000 में दे रखा है और ये सिंगल हमारा 1000 में दे रखा है, तो कैसे करोगे इसकी. हम लीस्ट टर्म देखेंगे, लीस्ट टर्म 1000 की बात कर रही है, ये 10000 की, तो हम 1000 के अकॉर्डिंग ही करेंगे इसको, 1000 के अकॉर्डिंग करेंगे, तो 52000 क्या दे रखा है हमें, 52651, यस. तो इसका नियरेस्ट बाई 1000 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 प्लेस पे क्या है हमारा, 2 है, तो पीछे 3 प्लेस पे 0. अब देखा 2 से जस्ट पहले हमारा 5 से बड़ी वैल्यू है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 3 एंड देन 53000 आ गया. नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 6670. 1000 प्लेस को इसको चेक करेंगे, 3 प्लेस पे 0 एंड 6 यहाँ पे 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, 7000, एंड देन दोनों को ऐड कर दो, 7 एंड 3 10 5 एंड 1 6, दिस विल बी योर आंसर. इसी तरह से हमें बिल्कुल सब्ट्रैक्ट के सम करने हैं. ये हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, और इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, 52095 वाज कलेक्टेड बाय एनजीओ ए एंड ₹38,560 वाज कलेक्टेड बाय एनजीओ बी फॉर रिहैबिलिटेशंस ऑफ फ्लड विक्टिम्स. एस्टिमेट द अमाउंट कलेक्टेड बाय बोथ द एनजीओज. हमें क्या बताना है, दोनों ने कितनी कलेक्शन की है, ये बात बतानी है, ठीक है. सो हम कैसे लिखेंगे, अमाउंट कलेक्टेड बाय एनजीओ ए, एनजीओ ए ने कितना अमाउंट कलेक्ट किया है, 52095. सो अमाउंट कलेक्टेड बाय एनजीओ बी, एनजीओ बी ने कितना किया है, 38560. एस्टिमेट अमाउंट करना है एनजीओ ए का, तो एस्टिमेटिंग करेंगे, तो दोनों 10000 में हैं, तो हम 10000 के नियर बाय निकाल लेंगे. हमने 5 को राउंड अप किया, उससे जस्ट पहले देखा 2 है, वो 5 से छोटा है, तो पीछे वाले 4 प्लेस पे 0 और 5 सेम एज. इसी तरह से एनजीओ बी का निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे, तो हमने 3 को राउंड ऑफ किया, बाकी सभी प्लेसेस पे 0, फिर देखा यहाँ 8 है जो 5 से बड़ा है, तो हमने इसमें 1 ऐड किया, तो ये क्या आ गया हमारा, 40000. तो हमें लास्ट में क्या करना है, एस्टिमेट अमाउंट कलेक्ट बाय बोथ एनजीओज ए एंड बी, दोनों ने कितना कलेक्ट किया, 50000 प्लस में 40000, और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमारा क्या आंसर आता है, 90000. सो स्टूडेंट, दिस इज आवर एक्सरसाइज 2J विच वी कंप्लीट. सो टुडे वी हैव कंप्लीट द चैप्टर एंड दिस इज आवर एक्सरसाइज. Let us assess, that is the complete conclusion of
the whole chapter. So you will do this in your rough notebook, and your exercise you do in your fair notebook. So thank you, student. Have a nice day.